किसान भाइयों, आपने इंटरक्रॉपिंग की वीडियो बहुत देखी होंगी, लेकिन सब्जी की फसल के साथ अगर सही फसल को सिलेक्ट ना करें तो कमाई कम, नुकसान ज़्यादा होगा। तो आज की वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए तरीके से अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हो तो फसल भी बढ़िया होगी और आपकी कमाई भी 4 गुना तक बढ़ जाएगी। तो नमस्कार साथियों, मैं मनिंदरजीत सिंह और आप देख रहे हैं सही व सटीक जानकारी देने वाला आपका अपना चैनल ब्राइट फार्मिंग। अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको इंटरक्रॉपिंग के 2 तरीके बताऊंगा। एक में तो भिंडी अपनी मुख्य फसल होगी और दूसरे में रिस्क कम होगा और इनकम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। इसमें अपने 3 मुख्य फसल होंगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आसान तरीके पर। इस तरीके से कोई भी किसान भाई इंटरक्रॉपिंग कर सकता है। तो भाइयों, इंटरक्रॉपिंग के लिए आपको खेत में पोषक तत्वों और मिट्टी जितनी ज़्यादा ताकतवर होगी उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इसमें अपने मुख्य फसल भिंडी की रखेंगे। मिट्टी ताकतवर बनाने के लिए देसी खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो अब अपने बात करते हैं कि मुख्य फसल भिंडी के साथ कौन सी फसल इंटरक्रॉपिंग के लिए लगाएं। तो दोस्तों, भिंडी को क्यारी में बोते हैं, तो भिंडी की फसल को क्यारी में लगा दीजिए और मेड़ के ऊपर ग्वारफली की फसल को लगा दीजिए। दोनों फसलों की हाइट और वृद्धि भी एक जैसी होती है, तो दोनों फसलें न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्वों और पानी, प्रकाश वगैरह आदि के लिए कोई कंपटीशन नहीं करती हैं। या फिर आप अगर बुआई के समय क्यारी में भिंडी के 100 बीज की बुआई कर रहे हैं तो वहां पर 80 बीज की बुआई करके भिंडी के बीच में ग्वारफली लगा दीजिए। ग्वारफली के अलावा आप भिंडी की फसल में हरा धनिया को लगा दीजिए। हरा धनिया गर्मियों में जून जुलाई में अच्छा रेट इसका मिल जाता है। इसके अलावा जो भाई भिंडी को क्यारी या फिर बेड बनाकर बुआई करते हैं तो वो बेड में या फिर क्यारी के ऊपर 5 पौधे भिंडी के, फिर 2 पौधे ग्वारफली के, फिर भिंडी के, ऐसे पौधे लगा देने चाहिए। और क्यारी के बीच में छोटे कद वाली सब्जी जैसे धनिया, पालक, जो कि 30 से 35 दिन में सब्जी तैयार हो जाए, ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए। तो इस तरीके से आप एक फसल के साथ 2 से 3 फसलें ले सकते हैं। और अब बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग के दूसरे तरीके पर। इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग करने पर नुकसान बहुत कम व इनकम 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। इसमें अपने 3 मुख्य फसल टमाटर, गेंदा और हरी मिर्च रखते हैं। बेड को बनाकर एक बेड पर टमाटर, दूसरे बेड पर गेंदा और तीसरे बेड पर हरी मिर्च को लगाते हैं। गेंदा लगाने से टमाटर और हरी मिर्च में नेमेटोड का अटैक कम हो जाता है या ना के बराबर होता है। इन 3 मुख्य फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग में आप बीच में जो खाली जगह है वहां पर धनिए की खेती या पालक की खेती कर सकते हैं। या फिर खेत के चारों ओर अगर आपने तारबंदी कर रखी है तो उस तारबंदी पर खेत के चारों ओर करेले या लौकी की बुआई कर सकते हैं। चारों ओर बेल लगाने से गर्मी में तेज हवा या लू से मुख्य फसल को बचा सकते हैं। तो इस तरह दूसरे तरीके से भी आप मुख्य फसल के साथ अन्य फसलों को भी लगाकर बढ़िया इनकम प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी इस बार इंटरक्रॉपिंग करने वाला हूं और इसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ अवश्य शेयर करूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।